shared her views with you people. Now, I would like to invite the genius student of class 10, Mr. Afnan, to come on the dice and present a bluebird song. Mr. Afnan for class 10, please clap in for him. Let's make bluebirds fly. सलीका है आरजू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बशीर कहिए नजीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है। ए खूबसूरत नाद के लिए दावत दे रहा हूँ रमीना नजम और हमेरा को कि वो आए और हदिया नाज शरीफ पेश करें। रमीना नजम और हमेरा जिंदगी का
सदाकत जिंदा है, ईमान की हरारत जिंदा है, जज्बों की सदाकत जिंदा है, ईमान की हरारत जिंदा है। मैं दावत देता हूँ अरशद मोमिन हमजा और आफाक को कि वो आए और एक खूबसूरत नजम पेश करें। Let's give them a big hand. सच्चाई के इस मन सब के लिए
मोमिन हमजा और अफाक। और अब आपकी समातों में गुदगुदी करने के लिए दावत देता हूँ मोमिन क्लास सिक्स को कि वो आए और अपने दिलचस्प लताइफ से आपको अपने दिलचस्प लताइफ पेश करे। क्लास सिक्स के मोमिन तालियां होनी। अस्सलामुअलैकुम। एक बार किसी कर्नल ने अपनी फौजियों को चाय पर बुलाया और इनसे कहा कि बिस्किट पर इस तरह टूट पड़ो जैसे ये आपके दुश्मन हो। कुछ देर बाद कर्नल ने देखा कि एक फौजी खाने के साथ साथ जेब में भी डालने लगा। कर्नल ने फौरन कहा, ओ ये क्या कर रहे हो? फौजी ने मासूमियत से जवाब दिया, कुछ नहीं सर, दुश्मनों को कैद कर रहा हूँ। गिलानी ने जरदारी को ऐसे मिस किया, सदर साहेब कुछ जोक सेंड करो। जरदारी ने जवाब दिया, यार मैंने मास्क पहन रहा हूँ। गिलानी ने जवाब में इसे मिस किया, हा 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 मजा आया, कुछ जोक्स इस तरह के और सेंड कर लो। एक बार कोई सिंगर किसी महफिल में गाना गा रहा था, इसने डेंजर यानी मस्नूई दांत लगा रखे थे। वो गाने के लिए जो ही मुंह खोलता मस्नूई दांत गिर जाते। वो पैर उठाता फिट करता वो फिर गिर जाते। इस पर करीब में बैठे एक बूढ़े ने कहा, यार कभी गाना भी गाओगे या यूं ही कैसेट बदलते रहोगे? एक आदमी बात तो हुआ डाखाने के अंदर गया। उसने कहा, तनेदार साहब मेरी बीवी गुम हो गई है। पोस्ट मास्टर ने कहा, अंधे ये ताना नहीं डाखाना है। आदमी ने कहा, माफ करना जनाब, खुशी से समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहां जाऊं। एक बार एक भिखारी भीख मांगता हुआ एक गाड़ी की तरफ गया। इस साहब ने जेब से 10 रुपए निकालती हुए कहा, बाबा दुआ करना। भिखारी ने 10 रुपए लेती हुए कहा, पिजारों में तो बैठे हो और क्या हम पर भी बैठने का इरादा है? सरदार जी के बारे में मशहूर है कि वाया बचने के बाद इनके दिमाग काम नहीं करते। एक मर्तबा एक होटल में सरदार जी के साथ वाले मेज पर एक औरत बैठी हुई थी। औरत ने सरदार जी से टाइम के बारे में पूछा कि सरदार जी क्या टाइम है? सरदार जी करे हो गए टाइम देखने के लिए और हवास बातगी में अपनी चाय की प्याली औरत के कपड़ों पर गिरा दी। औरत ने कहा, छोड़ दीजिए, पता चल गया 12 बज गए हैं। एक मर्तबा किसी सिख सरदार ने सरकारी जगह पर दीवार खड़ी कर रखी थी। म्यूनिसिपल कारपोरेशन वालों से खतरा था कहीं वो दीवार गिरा ना दे। इसने अपने दोस्त से मशवरा मांगा कि यार कुछ ऐसी तरकीब बताओ